हेलो गाइस, वेलकम टू सीजी ट्यूटोरियल्स। हियर यू विल गेट सक्सेस, नथिंग एल्स। सो ये थर्ड पार्ट है और इस पार्ट में हम देखेंगे कि और क्या क्या स्कीम बनी है, कहाँ कहाँ स्कीम हुई है, क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया है कि जो नई नई स्कीम्स हैं या नए जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 2014 से 19 तक के लिए, उसका मुझे आप बताएंगे कि आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि वो पढ़ने वाला है और उसको मेरे को पढ़ के आपको बताना है। तो या तो मैं आपके लिए पीडीएफ डाल दूंगा, या तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो वीडियो में डिटेल में बना दूंगा। तो वो बिल्कुल आपके ऊपर है, कि आपके कमेंट्स के ऊपर है वो। तो चलिए ये वाला स्टार्ट करते हैं पहले। और हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम है, लिखा इंग्लिश में है, समझाऊंगा हिंदी में ताकि इंग्लिश वालों को पढ़ने में आसानी हो और हिंदी वालों को सुनने में आसानी हो। तो लेट्स स्टार्ट। आप देखते हैं हम कि इंडस्ट्रियल पार्क्स कहाँ कहाँ पे छत्तीसगढ़ में है। दोस्तों ये जो डेटा है ये मैंने CSI DC जो जो साइट है वहाँ से लिया है, तो मतलब ये डेटा जो है वो लेटेस्ट डेटा है, तो आप इस पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। तो है पहला मेटल पार्क। जो मेटल पार्क है वो उरला इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो बिरगांव रायपुर तरफ है, बेसिकली उरला में बिरगांव आ जाता है, ये रायपुर छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा पार्क है ये। और एपरल पार्क जो है वो कि वो भनपुरी रायपुर में डेवलप किया गया है, अराउंड 1.35 हेक्टेयर। फिर आता है हमारा फूड प्रोसेसिंग पार्क। इस ये जो है जॉइंट वेंचर है प्राइवेट प्लस पब्लिक का, इसमें CSIDC प्लस राम की इंफ्रास्ट्रक्चर है हैदराबाद के, उन्होंने बनाया है। यहाँ पे बेसिकली फूड प्रोसेसिंग मतलब आपका कोल्ड स्टोरेज होगा, कैंटीन होगा, वेयर हाउस होगा जो मटेरियल्स है उनके लिए। अब आता है दूसरा जो है सेम ही है ये। अब आता है हर्बल, ये सॉरी दोस्तों इसके लिए माफ़ कीजिएगा, हर्बल एंड मेडिसिनल पार्क। ये बगौद विलेज कुरुद तहसील में है, कुरुद मतलब धमतरी के पहले आता है ये, और 30 किलोमीटर फ्रॉम न्यू कैपिटल रायपुर सिटी इन धमतरी। देखिए और इसमें अराउंड 100 हेक्टेयर ऑफ लैंड लिया हुआ है। और बेसिकली ये सब हमको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, किसके साथ पार्टनरशिप है, कितना करोड़ है उतना, बस पार्टनरशिप में राम की बार बार आ रहा है तो वो आप देख लीजिएगा। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, ऐसी चीज सबको पता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, बेसिकली बड़ी बड़ी बिल्डिंग रहेगी उसमें, और ये भी न्यू रायपुर में है और 24 हेक्टेयर लैंड पे बन रहा है ये। अब आता है अप्रैल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर। इसमें अप्रैल ट्रेनिंग मतलब जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, यहाँ पे 3 अप्रैल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर बना हुआ है। ATDC क्या है फुल फॉर्म? अप्रैल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर। तो अगर आप सो रहे हैं तो प्लीज जान जाग जाइए, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद है। अब हैव बीन सेटअप इन छत्तीसगढ़ एट बिलासपुर, रायपुर, भिलाई एंड राजनांदगांव। ओके, तो बेसिकली ये बड़े बड़े चैनल BBRR, तो डॉक्टर BR अंबेडकर का स्क्वायर बोल सकते हैं आप। ठीक है, क्या है ये? ATDC। ओके, तो ये तो सिंपल निमोनिक बना रहा हूँ मैं आपके लिए। अब एल्युमिनियम पार्क जो है वो प्रपोज किया गया है, एल्युमिनियम डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री, ये कोरबा में भी है। बेसिकली जो एल्युमिनियम पार्क जो है पहले ही बालको में बहुत मौजूद है, तो उसके आसपास ही बनाया जा रहा है ताकि बहुत ज़्यादा फायदा और हो और छत्तीसगढ़ इसमें आगे बढ़े। आपको पता होगा कि एल्युमिनियम का जो आपका बॉक्साइट है वो छत्तीसगढ़ से ही जाता है, और इंडिया के जो मिसाइल्स है उसमें छत्तीसगढ़ का ही एल्युमिनियम जो है वो यूज़ होता है। ओके, अब आता है एनर्जी पार्क, इंजीनियरिंग पार्क। तो भाई इंजीनियरिंग का तो मेन स्ट्रीम भिलाई है, तो आप भिलाई में आंख मूंद के टिक कर लीजिएगा। अब पॉलीइथिलीन पार्क मतलब सॉरी पॉलीथीन पार्क जो है वो तिल्दा रायपुर में हो रहा है। ओके, अब सॉरी दोस्तों ये जो है हेडिंग है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा, मैं मिडिल क्लास लोग आदमी है, तुमको हर जगह बचाने का है तो मैंने स्पेस बचाया यहाँ पे, तो ये आएगा नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं हम। देखिए उरला रायपुर जैसे मैंने आपको बताया, ये भनपुरी और रवना भाटा जो है इनको लिया हुआ है, और इसमें अराउंड 4,000 40,000 लाख जो रुपीज़ जो है वो इन्वेस्टेड है, 18,000 पीपल लगे हुए हैं, और 60 लार्ज एंड मीडियम और 550 जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, लघु उद्योग निगम है। अब आता है सिलतारा, ये भी रायपुर में है, इसमें 12,000 किलोमीटर लैंड है, 3 लार्ज और 9 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। ये नेशनल हाईवे 47 में स्टेब्लिश है, सिलतारा नेशनल हाईवे 49, सॉरी 49। 2 स्पंज आयरन प्लांट्स प्रोडक्शन पे है, पावर 1 पावर प्रोडक्शन प्लांट्स है, और एक फेरो एलॉय प्लांट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, यूसी मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन। एक एग्रो एक्सपोर्ट जोन भी यहाँ पे स्टेब्लिश किया गया है, कहाँ पे? सिलतारा रायपुर में। तो क्या क्या है? 2 स्पंज आयरन, एक पावर प्रोडक्शन, एक फेरो एलॉय। ठीक है, अब आता है बोराई दुर्ग। बोराई दुर्ग में क्या है? नेशनल हाईवे 53 है, ठीक है, 59 जो है सिलतारा में है, 437 हेक्टेयर लैंड है इसमें यूज हो रहा है। सिरगिट्टी जो है बिलासपुर में, यहाँ पे 7 लार्ज एंड मीडियम एंड
17 जो है वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, 430 हेक्टेयर है सिफरा तरफ को इंक्लूड करके। अब आता है रानी दुर्गावती एरिया, अंजानी अंजानी अंजनी पेंड्रा रोड एंड चांपा आर बिंग स्टेब्लिश्ड। ओके, अब बेसिकली मैं इसका प्रोनाउंसिएशन जानता हूँ, पर क्या है पढ़ते पढ़ते ये अनजानी हो जाता है, अनजाना अनजानी नहीं है, अंजनी। ओके, अब आईएएस मतलब इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो मगरलोर है राजनांदगांव में, आरजेडी पता है आपको क्या बोलता हूँ मैं, या आप भी बोलना चालू कर दीजिए अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो। हिंदी मीडियम वालों का अपने आप एक न्यूमानिक होता है, न्यूमानिक मतलब शॉर्टकट टिक होता है। अब नैनपुरा जो है वो सूरजपुर में है, बहुत सारे लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत सारे जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत ही रेगुलर कंट्रीब्यूशन है इसमें। किसके लिए? इंडस्ट्रियल पार्क के अपलिफ्टमेंट के लिए, मतलब जागरूकता के लिए और अच्छे बनने के लिए। अब 2007 में ना 4 नए इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो बनाए गए थे। तो डीडीएलजे सुना है ना आपने, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये है डीटीएलजे, दिलवाले तोड़ के ले जाएंगे ऐसा कुछ करके आप बता। तो बेसिकली दी मतलब दगोड़ी बिलासपुर, ती मतलब तिल्दा, ये कहाँ पे रायपुर में है, एल मतलब लारा रायगढ़, जे मतलब होता है जोरा तराई राजनांदगांव, आरजेडी बेसिकली है। ओके, अब देखते हैं हम आगे क्या था। तो अंजनी देखिए मैंने बोला अंजनी, ठीक है, ये फिर ये नयनपुर गिरजागंज, ये कहाँ पे है, ये सूरजपुर में है। अब ये बेलगहना सिरगिट्टी तिफरा सिलपहाड़ी, ठीक है, कपन रायगढ़ नॉट रायगढ़ जांजगीर चांपा लारा रायगढ़ सिलतारा उरला भनपुरी रायपुर तिल्दा रायपुर रायपुर, ये मेरे ख्याल से ये दोनों जो है ये वाला ये पूरा उरला में आता है, सिलतारा का अलग है, बिरकोनी पता है हमको, फिर ये क्या है बेल टुकड़ी, ओके, फिर श्यामा तराई और ये बुराई दुर्ग, जोरा तराई राजनांदगांव, फिर हरिन चापा जो है वो आपका इस तरफ है, ये क्या है कोरबा। आप देखते हैं प्लान्स, तो सेंट्रल प्लान्स क्या क्या थे। पहला है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 8-9 में इम्प्लीमेंट किया गया था, इम्प्लीमेंट स्टेट ने कैसे इम्प्लीमेंट किया इसको, राज्य खादी और ग्राम उद्योग से इम्प्लीमेंट किया और डिस्ट्रिक्ट ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड सेंट्रल बैंक से इसको इम्प्लीमेंट मतलब लगाया। एलिजिबल कैंडिडेट्स को 10 लाख का लोन प्रोवाइड किया गया है बिजनेस और सर्विसेज के लिए और 25 लाख का प्रोवाइड किया गया है मैन्युफैक्चरिंग एरिया के लिए। अब एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्कीम जो है वो डेवलपमेंट किस लिए किया है, सब्सिडी मतलब जो सस्ते दामों में, तो वो किसके लिए है आपका देखिए यहाँ ध्यान से, स्टेट गवर्नमेंट रिसीव फंड्स टू प्रमोट सब्सिडियरी डेवलपमेंट वर्क्स, स्टेट गवर्नमेंट को फंड्स मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और इसके लिए जो साइट से मैंने डेटा लिया था अभी अभी वो साइट को या उस कॉरपोरेशन को अपॉइंट किया गया है एज अ बीच का भाग एज पर द डायरेक्टिव ऑफ एएसआईडीसी, मतलब ये आपका एनुअल आपका बेसिकली ओवरऑल इंडिया का है, स्कीम्स एंड वर्क्स ऑफ स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोटिंग कमिटेड प्रिसाइडेड ओवर बाय द चीफ सेक्रेटरी या सिलेक्टेड एंड अप्रूव बाय स्टेट लेवल। जो ये पूरे वर्क्स हैं ये सब चीफ सेक्रेटरी सिलेक्ट करता है, उन्हीं को अप्रूव किया जाता है और उन्हीं को पैसे वैसे सब दिए जाते हैं। अब है इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर IIDC, तो ये है सेटअप क्या क्या गया है इसमें, माइक्रो और SSC मतलब बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है और इसका सेटअप किया गया है, इसको लगाया जा रहा है किस साइट में, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर के जरिए, और बाकी सब को एज और इसमें क्या बोलते हैं 40% कॉस्ट या 2 करोड़ तक का लोन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है और बाकी सब का लोन जो है आप स्टेट गवर्नमेंट्स ले सकते हैं। CSIDC जो है लोडर एजेंसी है और बिरकोनी हरिन चपरा एंड नारायणपुर गिवारगंज में है, ये आपको दिखा चुका हूँ मैप में कहाँ पे है ये सब। फिर न्यू स्मॉल इंडस्ट्री सेंटर जो है वो है पहला प्रपोजल जो है वो नवागढ़ डेवलपमेंट ब्लॉक जो दुर्ग में है एंड 12 विलेजेस ऑफ बेमेतरा एंड 25 हेक्टेयर लैंड है खैरा विलेज में, ठीक है पहला हो गया। दूसरा जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जो 12 हेक्टेयर लैंड पे गंगा पुरकुंद सरगुजा पे चल रहा है। तीसरा प्रपोजल जो है वो 191.361 एकड़ लैंड का जो है बिजेताला विलेज और 102 एकड़ में है ये पवन तारा विलेज, दोनों जो है वो राजनांदगांव में है। अब इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम जो है वो IIUS है, ये क्या था इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर है। ओके, इसमें 775% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है और 25% जो लोन है आपका स्टेट गवर्नमेंट देता है। आप पता है हमको स्टेटमेंट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या बताया था, DTLJ, दगोरी तिल्दा लारा राय और जोरा तराई, ठीक है,
और सब मोर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज देख लेते हैं अपन, जो हम लोगों को बेसिकली सारे इंडस्ट्रीज कवर कर चुके हैं हम लोग। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि पिन पॉइंट पूछता है जो कि एक ही, तो जो पिन पॉइंट इंडस्ट्रीज है मतलब वो एक ही जगह पे है, उनके लिए हमको देखना अनिवार्य है। तो पहला देखते हैं रायपुर में जो है रेलवे वेगन रिपेयर वर्कशॉप है, निको आयरन है स्टील प्लांट जो सिलतारा में है, तिल मेल्टिंग प्लांट है, टिन 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 मेल्टिंग प्लांट रायपुर, दुग्ध महासंघ जो है वो उरला में है, उरला में इंडस्ट्रियल पार्क है, ठीक है ये सब याद कर लीजिएगा आप, ऐसे रिवाइज कर लीजिएगा। रायगढ़ में सरासर एंड नलवा स्टील दोनों अलग है, सरासर स्टील एंड नलवा स्टील दोनों अलग अलग है। बिलासपुर में है स्पिनिंग मिल्स जो कि लाल खदान में है, यहाँ पे चौकसे कॉलेज भी है। कोरबा जो है श्याम प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। फिर लैंको अमरकंटक पावर प्रोजेक्ट है जो कि पटादी कोरबा में है। फिर जांजगीर चांपा में मड़वा थर्मल पावर प्लांट है, मड़वा महल जानते हैं आप। दुर्ग में धरम की मोराजी केमिकल है जो कुम्हारी में है, और केड़िया डिस्टिलरीज है। ओके, सरगुजा में पता है कोई वुड कटेचू लाख पता है वो लाख इंडस्ट्रीज, और आपका जो कत्था होता है उसका सरगुजा जो है टॉप मोस्ट है पूरे इंडिया में। सूरजपुर छत्तीसगढ़ में सबसे एक वही है, सूरजपुर में भैयाथन पावर प्लांट जो भैयाथन में है, प्रेमनगर पावर प्लांट जो है वो प्रेमनगर में है, दोनों अलग अलग है। ओके, अब आता है जशपुर, कोसा और लाख है कुनकुरी में, कुनकुरी क्या है क्रिश्चियन लोगों का तीर्थ है बोलते हैं उसको, वैसे ही है क्या बोलते हैं यहाँ मटकू द्वीप है वो भी होता है। अब दंतेवाड़ा जो है वो वहाँ पे भी लाख इंडस्ट्रीज है, और बस्तर में एसआर स्टील प्लांट है और हिरन्नार स्टील प्लांट है। तो आपका इंडस्ट्रीज पूरा हो गया यहाँ पे, बधाई हो, तीन वीडियो है रिवाइज कर लीजिए, खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। और एक आपको बताया मैंने जो पॉलिसी वाले हैं उसका आपको चाहिए, ठीक है, और मैं पीडीएफ आपको डाल दूंगा, आपको जो चाहिए मेरे कमेंट बता दीजिए। एंड सेकेंड इज दैट कि अब आएगा एनर्जी। ओके, एनर्जी है तो आपको क्या करना है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, एटलीस्ट वीडियो लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो सही है कि नहीं। जो देख रहे हैं वो लाइक कर दीजिए, जो नहीं देख रहे हैं वो डिसलाइक कीजिए, तो जिनको नहीं पसंद आ रहा है ताकि मैं, और कमेंट कीजिए अगर आपको पास टाइम है तो नेक्स्ट मैं बता सकता हूँ आपको कि एनर्जी है, इट्स फ्री, कोई नथिंग नहीं, हमको सिर्फ आपको बोल रहे हैं कि बस बैठो और एंजॉय करो। आई विल मेक इट मोर अटेंटिव एंड थोड़ा मैं इसमें कुछ करने वाला हूँ, मतलब कि आप लोग को और अलर्टनेस आए। सिंपल ऐसे पीपीटी में क्या बोल गया था इसका, मैं सिर्फ 10 मिनट का वीडियो बनाता हूँ। तो डू चेक अदर वीडियोज एज वेल, देर आर वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू वॉन्ट टू मेक, जैसे आपको बता चुका हूँ ये सब मैं लिख देता हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ करके, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो गाइज दिस इज इट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका इंडस्ट्रीज खत्म हो गया, अब आएगा एनर्जी। सो बेस्ट ऑफ लक एंड डू प्रिपेयर वेल, बाय बाय।